अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग जी? तो पकड़े गए जी। क्या हो रहा था? हाँ जी, ठीक है, चलें। लेसन लेने के बाद थोड़ा सा तो रेस्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कर लें। क्या करने वाले हैं आज हम? जी आज हम अपने चैप्टर 4 की रीडिंग करेंगे। आपको आती है रीडिंग, बट न्यू वर्ड्स हैं, ठीक है, थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। चलिए, एग्री हो जाएं? शाबाश, एग्री, ओके गुड, लेट्स लाइक दिस। ओके जी, हम अपने पेज नंबर 13 की और 14 की रीडिंग करेंगे। किताब खोलिए, शाबाश। ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, वक्त हमारे लिए। हुज़ैफ़ा अपनी उंगलियों पर, हुज़ैफ़ा ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, मैं बताता हूँ कि वक्त कितनी अकसाम का है। पहला, हम अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब वक्त के ज़रिए करते हैं, और साथ ही साथ हम ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों का रिकॉर्ड भी वक्त के ज़रिए करते हैं। हरीम ने आगे बढ़ाते हुए बात हरीम ने बात आगे बढ़ाते हुए जल्दी से कहा, वक्त हमें पिछले औकात के मुतालिक बताता है और ये भी बताता है कि आगे क्या होगा। हुज़ैफ़ा ने खिज़र से पूछा, क्या इंसानी वक्त इससे मुख्तलिफ होता है? खिज़र ने दोनों बच्चों को कहा, मेरे साथ आओ। वो बच्चों के साथ चलते हुए राहदारी में रखे हुए एक पौधे के करीब पहुँचे, जिसके करीब एक साहिब कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। खिज़र ने बच्चों से कहा, ज़रा इस पौधे को देखो और फिर यहाँ रखे तमाम पौधों पर नज़र डालो, ये सब एक तरह से बड़े हुए हैं और एक जैसे नज़र आ रहे हैं। फिर उन्होंने इन साहब को की तरफ इशारा किया जो कुरान पढ़ रहे थे। खिज़र ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये साहब कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, ज़रा इस हाल में बैठे बाकी लोगों को देखो, क्या सब कुरान पढ़ रहे हैं? नहीं, हरीम ने जवाब दिया। हुज़ैफ़ा ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे हैं और ये खातून कुछ खा रही हैं। खिज़र ने समझाते हुए कहा तमाम गैर इंसानी चीज़ें वही करती हैं जो अल्लाह उनसे चाहता है, लेकिन इंसानों के पास इंतखाब करने का मौका होता है। हरीम ने कहा, जिस तरह तमाम माल्टे के दरख्त एक ही वक्त में फल देते हैं। हुज़ैफ़ा ने कहा, और सब्ज़ियाँ मसलन खीरा हर जगह एक साथ ही बढ़ता है, लेकिन तमाम इंसान ना तो एक ही वक्त पर सोते जागते और काम करते हैं, ना ही एक तरह से काम करते हैं। खिज़र ने अपनी कुर्सी की तरफ वापस जाते हुए कहा, इंसान अपने वक्त को अपनी मर्ज़ी से
इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह ताला हमारे तमाम कामों का हिसाब रख रहे हैं। हरीम ये सुनकर सोचने लगी और पूछा, अल्लाह ताला हमारे वक्त का हिसाब क्यों रख रहे हैं? खिजर ने जवाब दिया, इसके लिए तुम्हें पहले इन तीन मुख्तलिफ औकात को समझना होगा जिससे हर इंसान को गुज़रना होता है। जी, आपने देखा कि हरीम ने खिज़र से सवाल किया कि अल्लाह ताला हमारे वक्त का हिसाब क्यों रख रहे हैं। जी, यहाँ पर हमारा एक थिंकिंग पॉइंट आ गया कि अल्लाह ताला ने हमारे वक्त का हिसाब क्यों रखा, किस लिए रखा और हम अपने वक्त को किस तरह यूज़ कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। तो आपने ये वीडियो लेसन में ये पॉइंट जो कि आज मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह ताला हमारा वक्त का हिसाब रख रहे हैं, इसमें थिंकिंग करनी है। जी, आपने मम्मा से भी पूछ लेना है, दादी से भी पूछ लेना, ठीक है जी। दादा से भी पूछिए कि अल्लाह ताला हमारे वक्त का हिसाब क्यों रख रहे हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, इस चैप्टर की बुलंद ख्वानी करनी है, खामोश मुताला करना है, टीचर को रीडिंग करके सुनानी है और फिर हम अगली क्लास में आपसे इस सवाल का आंसर लेंगे कि अल्लाह ताला हमारे वक्त का हिसाब रख रहे हैं और वो क्यों रख रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।